बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, मतलब एक शब्द में बोल नहीं सकते कैसा लग रहा था, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी रही, हम लोग बहुत महीनों से मेहनत कर रहे हैं और फाइनली जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उस जगह पे आ गए कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर में जो हज़ारों लोगों ने ऑडिशन दिए थे उसमें हम 5 लोग बचे, तो बहुत खास फीलिंग थी। क्या बात है। और मैंने सोचा था कि ये जर्नी इतनी तगड़ी रहेगी, अगर मैं टॉप 5 में चले गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, पर उस टाइम पे क्या हुआ कि बूगी भैया एलिमिनेट हो गए, तो उस टाइम ऐसा हो गया हाथ की, मतलब मैं खुशी भी नहीं मना पा रहा और ठीक से रो भी नहीं पा रहा था, तो मुश्किल रहा है। एक ही बात बताना चाहूँगा, एक किसी ने तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था कि यू आर अनस्टॉपेबल, तो हाँ मैं एक कंटिन्यू करना चाहूँगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही मिक्स्ड इमोशन थे। फर्स्टली तो मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ, क्या करूँ। थोड़ा मेरे को उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, बट हाँ उसके बाद हम सब ने बहुत सेलिब्रेट किया। तो मेरा वोटिंग तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं कभी वोटिंग मांगूंगी ऐसा मिलने, मतलब बहुत बड़ा सपना था, और मैं टॉप 5 में पहुंच गई हूँ, तो मतलब अभी भी ये सपनों से कम नहीं है, तो बस यही खुश है बहुत। मेरे ख्याल से जर्नी वाइज देखा जाए तो अंजलि का जो बैकग्राउंड है, और अंजलि ने जो स्ट्रगल करके वो यहाँ पे है, मतलब हम सब में सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज ये रही है अपनी जर्नी में, कहीं ना कहीं हम सब के पर्सनल स्ट्रगल्स रहे हैं, बट अंजलि का स्टोरी जैसे हम सब ने देखा है तो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए उसकी जर्नी। आई थिंक मैंने अपने आप को बहुत इंस्पायर किया है, मुझे अपनी जर्नी जो है मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए उसमें और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं लाइफ में। आई एम श्योर सबने किया है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल, बट मुझे लगता है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और साइड बाय साइड खुद को खुद इंस्पायर कर रहा था और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो जब मैंने अपने पास्ट को देखा तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे हम पांचों ने ही बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने भी बहुत करा है, बट अपना छोड़ के मैं बोलूँ तो मैंने अनिकेत भैया का ऑडिशन में देखा था कि कैसे उनके मम्मी पापा घर को चलाते हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली के, पर मैंने देखा अनिकेत भैया का है। अनिकेत भैया की स्टोरी देखी तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील हुआ कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल फेस करा है, सभी ने करा है, तो सभी लोग मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं, बट अनिकेत भैया की स्टोरी देख के ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। क्या बात है। मेरे को लगता है किसी भी आर्टिस्ट की, किसी भी कलाकार की लाइफ आसान नहीं होती है, कुछ की स्टोरी सामने आ जाती है, कुछ की नहीं आ पाती है, तो सबको एक समान मानता हूँ मैं, क्योंकि सबके अपने पर्सनल फाइट्स हैं, सबकी खुद की ज़िंदगी है, किसी की सामने आ पा रही, किसी की नहीं आ पा रही, तो सब इंस्पायर करते हैं मेरे को। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि मैं एक्चुअल में नेपाल से हूँ, नेपाल से इधर आया था, तो वो जर्नी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को नहीं पता, जस्ट टू लेट यू नो आई एम नेपाली, लेकिन मैं मतलब एज ए इंडियन इधर रह रहा हूँ, एज ए इंडियन नहीं मतलब यहाँ का रह रहा हूँ, मतलब अभी मैं यहाँ का हो गया हूँ, मेरे इंडियन पीपल बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, और हाँ मुझे खुद को लगता है कि मैंने बहुत क्रेजी काम किया है जो टीवी पे नहीं आया अभी तक, तो मिलिए कभी मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में। ये क्या बात है। 601 बहुत कुछ किया है, मिलने वाला था लंबी कहानी पे। अपनी परफॉर्मेंस छोड़ के, अपनी परफॉर्मेंस छोड़ के ना, अभी मेरे वैसे तो बहुत सारी होंगी आई एम श्योर, बट अभी मेरे टॉप ऑफ द माइंड में विपुल भैया का भगत सिंह वाला एक्ट है। क्या बात है। अरे मैं सोच रही हूँ मेरे मन में भी बहुत सारे हैं, बट ना एक जो मैं अभी भूल भी नहीं पाऊंगी, एक हंसवी दीदी की ना देवी वाली परफॉर्मेंस थी, मतलब उसको देख के ना मेरे को बहुत घूसबम्स उसी टाइम आ गए थे, और मैं उसको जब भी देखती हूँ ना तो मेरे को घूसबम्स आ जाते हैं, मतलब वो परफॉर्मेंस को मैंने बहुत बार देखा और मेरे लिए मतलब वो मन में छप गई है। ऐसी बहुत सारी परफॉर्मेंस, सभी की एक एक है, बट वो वाली परफॉर्मेंस याद रहेगी। शिवांशु और हंसवी ने एक्ट किया था, वो वाला बहुत क्रेजी था, और विपुल भैया का भी बोलना पड़ेगा, भगत सिंह वाला, ये दो मेरे बात है, बोलने पड़ेंगे, वो हो जाएगा थोड़ा। गुनगुना रहे भवर खिल, इसमें सुष्मिता दीदी ने किया था, वो वाला सबसे ज्यादा क्रेजी था, उसके बाद
उसके बाद मुझे बुगी भैया का लास्ट ओरे पिया था, वो जो मेरे को बहुत ऐसा अभी भी तक दिमाग में है। मेरे को एक्ट याद नहीं आ रहा है, बट कौन सा गाना था, आई थिंक शिवांशु की एक परफॉर्मेंस थी, इसका ऑडिशन और इसकी आगे भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी जो मेरे को बहुत पसंद थी। बूगी का एक एक्ट था, का करू सजनी, अंजलि की तो सारी परफॉर्मेंस अच्छी होती हैं तो और समर्पण का भी आई थिंक मेगा ऑडिशंस का एक्ट मेरे को बहुत पसंद आया, और चाव वाला ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद है। और अंजलि का डिस्को वाला, डिस्को वाला अंजलि का डिस्को वाला जो था, हम जो मैंने बोला छोड़ो, जो डिस्को वाले में इसने किया और जो छैया इनके साथ बैटल था इनका, और एक और जो एक्ट है वो मेरे को बहुत पसंद था, नोरबू का चल छैया 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 मेरे तो ऑडिशन से जो मेरे मन में थे वो थे अनिकेत भैया, जो टॉप 5 में आएंगे ही आएंगे, जो अभी नहीं है मैडम, जो अभी नहीं है, जो मैं सच्ची बोलूँ तो भोगी भैया, सच्ची सच्ची वाला, और सुष्मिता, एक बताना, एक ही बताना, तूने सुष्मिति का नाम ले लिया वो किसका लेगा? और दो बार भी ले सकते हैं, ज्यादा डिजर्विंग है ना। ओह माय गॉड, बस मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे मन में बूगी भैया तो 101% थे, जैसे उनकी मतलब वो जैसे सोलोज देते थे ना। जो अंजलि ने नाम लिया वो मैं 100% अग्री करता हूँ, बट सिंस अंजलि ने बूगी भैया का नाम ले लिया तो मेरे मन में एक और नाम है, वो है शिवम वानखेड़े। मेरे लिए सुष्मिता, सुष्मिता बहुत अच्छा परफॉर्मर थी, मैंने जब से मतलब जितनी भी एक्ट, कौन सा एक्ट बोला था, गुनगुना रहे हैं बबरे, मतलब उनकी मतलब परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था शो के अंदर, तो मेरे को लगा था कि शायद वो पक्का ही पक्का होंगी टॉप 5 में, पर वो नहीं है, इंजरी के कारण नहीं है। किसके कारण नहीं आया? इंजरी। अच्छा, मुझे लगा अंजलि के कारण नहीं आया। इसे सुनो, हाँ मेरे लिए भी सेम सुष्मिता दीदी। यार पागल है तू, ऐसे सुन रही थी। आई थिंक हाँ सुष्मिता, हाँ सुष्मिता को होना चाहिए था, और बूगी को भी होना चाहिए था, और शिवम को भी होना चाहिए था, और मैं तो कह रहा हूँ टॉप 5 ही नहीं होना चाहिए था, थोड़ा टॉप 10 ही कर देते, सीधा वहीं से निकालते, क्योंकि टॉप 10 भी हमारे शो में दो बार हुआ है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंडिया वेल्स डांसर को सर्च करें, समर्पण लावा को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सबका। ये उस दिन स्टेज पे क्या बोली थी, इंडियाज बेस्ट डांसर को डाउनलोड करिए और अंजलि को अपडेट करें और अनिकेत भैया को वो करें डिलीट और इनको फॉरगेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।